आज हम डायबिटीज़ और माइक्रोवास्कुलर डिजीज के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ में खाली शुगर ही नहीं बढ़ी होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें टेंडेंसी होती है कि जो बॉडी में छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, माइक्रो साइज की कैपिलरीज होती हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज होने का रिस्क होता है। ये मेन चार जगह इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो आइज में होती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें मरीज को विजन प्रॉब्लम होती है और कई बार रेटिनल डिटैचमेंट होने की वजह से पूरा विजन भी जा सकता है, यानी कि उसको दिखाई देना बंद हो सकता है। दूसरा माइक्रोवास्कुलर डिजीज होती है किडनीज में। इसमें किडनी फंक्शंस खराब होने शुरू होते हैं। शुरू की स्टेज में यूरिन में प्रोटीन आना शुरू होता है और जब ये बीमारी बढ़ती है तो मरीज को किडनी फेलियर हो जाता है और फिर उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तीसरा ब्रेन में होती है, तो ब्रेन में पेशेंट को मल्टीपल स्ट्रोक्स होने का रिस्क होता है, जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो सकती है। चौथा माइक्रोवास्कुलर डिजीज हार्ट की मसल्स में होती है और जब ये मसल डैमेज होता है तो कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें धीरे धीरे पेशेंट को हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। इस सबको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का टाइम से डायग्नोसिस किया जाए और एग्रेसिव ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कंट्रोल किया जाए। चाहे उसके लिए शुरू में दवाई की ज़रूरत हो या बाद में इंसुलिन की ज़रूरत हो, खाने के पहले का शुगर 80-100 और खाने के बाद का शुगर 140-160 की रेंज में रखना ज़रूरी होता है। कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे कि एस इनहिबिटर्स हैं, जिससे इसका एग्जाम्पल एक रेमिप्रिल की दवाई आती है, उसके इस्तेमाल से भी माइक्रोवास्कुलर डिजीज कम होने का चांस रहता है। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए और स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल यूज़ करते हैं उससे भी माइक्रोवास्कुलर डिजीज कम होने का चांस होता है। सारे डायबिटीज पेशेंट को रेगुलरली आँख का चेकअप और यूरिन का चेकअप कराना चाहिए और अगर ये प्रॉब्लम लगती है तो डायबिटीज़ का एग्रेसिव कंट्रोल करना चाहिए और साथ में हमें रेमिप्रिल और स्टैटिन चाहिए। आज हम डायबिटीज़ और माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारी देश में बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें जो रक्तवाहिनियाँ हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हार्ट की आर्टरीज में होती है। उसके अलावा जो बॉडी की और आर्टरीज हैं उसमें भी उसी मैकेनिज्म से कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है। इसमें मेन है दोनों पैरों की आर्टरीज, किडनी की आर्टरीज और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई ले जाती हैं वो आर्टरीज। डायबिटीज़ के मरीज को साथ में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होती है और ख़ासतौर से जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू का उपयोग करते हैं उनमें ये बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर ब्रेन की नसों में ब्लॉक आती है तो मरीज को पैरालिसिस हो जाती है। किडनी की नसों में ब्लॉक होती है तो अनकंट्रोल्ड सीवियर ब्लड प्रेशर होता है। अगर पैरों में ब्लॉक आती है तो शुरू की स्टेज में चलने में दर्द होता है, जिसको क्लॉडिकेशंस कहते हैं। बाद में अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है तो पेशेंट को ब्लड सप्लाई ख़त्म होने की वजह से गैंग्रीन होती है और उसमें पैर को काटना भी पड़ सकता है। अगर मरीज को इनमें किसी भी तरह के सिम्टम्स आते हैं तो उसका डॉक्टर से एग्जामिनेशन करके हम टाइम से पता कर सकते हैं कि ब्लॉकेज हैं कि नहीं और कितने ब्लॉकेज हैं। अगर डायबिटीज़ को हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं दवाइयों से, डाइट कंट्रोल से, रेगुलर एक्सरसाइज से, ब्लड प्रेशर कंट्रोल से और मरीज की लाइफस्टाइल को एडजस्ट करके, तो इन चीज़ों को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली उसका जाँच करवाएँ, जिससे कि उनका वक्त पे इलाज हो।
डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ इंडिया में बहुत एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है और 40 साल से ऊपर की उम्र में करीब 40% मरीजों में डायबिटीज़ पाई जाती है। इसका डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। जो मेन प्रॉब्लम हार्ट में आती है कि डायबिटीज़ की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ जाता है। दूसरे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है और इन लोगों में ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। ये सब चीज़ें मिलके पेशेंट को प्रोन करती हैं कि उसको हार्ट का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो। हार्ट अटैक बहुत सीरियस बीमारी है क्योंकि इसमें 25-30% पेशेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और बाकी 25-30% पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचते या उसके बाद डेथ हो जाती है। जो पेशेंट प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट लेकर बच भी जाते हैं उनमें हार्ट फेलियर और आगे अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 25-30 साल की उम्र में ही आपके ब्लड टेस्ट किए जाएं, जिससे कि सही टाइम पर शुगर और डायबिटीज का डायग्नोसिस हो सके और उसका प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट हो सके। हमारा उद्देश्य यह है कि खाली पेट की शुगर 90-100 और खाना खाने के बाद की शुगर 140-150 रखी जाए। जब शुरू की अवस्था में खाली दवाइयों से काम चल सकता है, बाद में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मरीज को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों के अलावा इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसमें डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज मरीज को करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि शुरू में डायबिटीज़ की डायग्नोसिस ठीक टाइम से हो जाए और आगे प्रॉपर टेस्ट करके हार्ट डिजीज़ है या नहीं इसका भी टाइम से पता करना और इलाज करना ज़रूरी होता है।